बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम को दोस्तों, पाकिस्तान से मैं हूं और आप देख रहे हैं क्रिकेट भी तुम्हारा साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को जरूर जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि गौतम गंभीर एक बार फिर मैदान में आ चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने विराट कोहली को अंदर ही अंदर टीज कर दिया, इंसल्ट कर दिया विराट कोहली की। देखिए गौतम गंभीर का मुझे नहीं पता विराट कोहली के साथ क्या मसला चल रहा है, लेकिन मैं एज अ विराट कोहली फैन चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। जो विराट के अगेंस्ट कोई चीज जाएगी, मैं तो उसके लिए आवाज उठाऊंगा, तो मैं विराट कोहली का फिर फैन हूँ। अगर मेरी नजर में मैं देख रहा हूँ बात विराट के अगेंस्ट जा रही है, अगर मैं चुप करके बैठा हूँ, तो फिर मैं बगैरत हुआ ना, मैं फिर फैन ना हुआ। देखे गौतम गंभीर से बाबर आजम, जॉय रूट, केन विलियमसन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सबके हवाले से ना एक क्वेश्चन पूछा गया वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, जो है वो कि जी कौन से प्लेयर हैं के जो बेहतर करेंगे इस वर्ल्ड कप में। होस्ट ने क्वेश्चन पूछा गौतम गंभीर से कि कौन से प्लेयर हैं जो बेहतर करेंगे इस वर्ल्ड कप में। गौतम गंभीर ने बोला है कि बाबर आजम इन सब प्लेयर से अच्छा प्लेयर है। ये गौतम गंभीर ने बोला है, आप वीडियो जाके देख सकते हो। गौतम गंभीर ने बोला है बाबर आजम इन सबसे बेहतर प्लेयर है। बाबर आजम की क्वालिटी विराट कोहली से बेहतर है, बाबर आजम की क्वालिटी रोहित शर्मा से बेहतर है। मुझे आप लोग बताओ कब आपने बाबर आजम को परफॉर्म करते देखा है और विराट कोहली को परफॉर्म करते नहीं देखा। यह गौतम गंभीर का मसला क्या है विराट कोहली के साथ? मतलब विराट कोहली को तो छोड़ो, इसने रोहित शर्मा को भी बाबर आजम से निचले दर्जे का प्लेयर माना है। कहता है बाबर आजम 2023 वर्ल्ड कप में फायर करेगा, तबाही मचा देगा। लाइक इसके कहने का मतलब है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग 2023 वर्ल्ड कप में नहीं क्यों बोलेंगे। यार मेरे जितने भी इंडियन फैंस देख रहे हो, आपसे एक बात पूछ रहा हूं, ये गौतम गंभीर इंडिया से क्रिकेट खेला हुआ है ना, और इसकी एक दो नाक भी ऐसी हैं जो बड़े मैचेस में आई हुई हैं, उसके बावजूद ये बंदा बार 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 इंडियन क्रिकेट को क्यों टारगेट करता है, बार बार विराट कोहली को क्यों टारगेट करता है? क्योंकि मेरे कोहली को जो टारगेट करेगा, मैं उसके अंदर बल्ला घुसा दूंगा। उस दिन ये उंगली दिखा के जा रहा है मिडल फिंगर, और फिर इसने इल्जाम लगा दिया उधर भी पाकिस्तानी लोग बैठे हुए थे, फिर इसने आईपीएल में यकीन लगाई वो नवीनुल हक, उसको तो कैरियर खत्म करेगा कोहली इस वर्ल्ड कप में, वो आ गया अफगानिस्तान के स्क्वाड में, उसको ये बैक कर रहा है, जाके कोहली के साथ बदतमीजी कर, मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूं। ये चाहता क्या गौतम गंभीर? गौतम गंभीर असल में क्या चीज है मुझे इसका बताओ। इस घंटे ने, इस मेरे घंटे ने कौन सी परफॉर्मेंस ऐसी दी हुई है कि जो मैंने नहीं देखी, जो आपने नहीं देखी, जो वर्ल्ड क्रिकेट में किसी ने नहीं देखी, इस अकेले गौतम गंभीर ने देखी है। बता दो यार आप लोग मुझे, मतलब विराट कोहली की जितनी भी परफॉर्मेंसेस हैं, विराट कोहली की जितनी भी इनिंग्स हैं, वो गौतम गंभीर कहता है जी बाबर आजम की इनिंग्स उससे बेहतर है। बात तो ये हुई ना कि गंभीर ने बोल दिया कि बाबर आजम इस वर्ल्ड कप में अच्छा करेगा, और बाबर आजम के पास ज्यादा टाइम है खेलने के लिए। क्या बाबर आजम को 2 घंटे एक्स्ट्रा लेके आता है खेलने वास्ते? की करता है बाबर आजम? ज्यादा लत्ता खोल लेता खेलने टाइम, या बाबर आजम क्या बैट के ऊपर चढ़ के खेलता है? क्या करता है बाबर आजम और क्या नहीं करता विराट कोहली? मुझे तो इस बात का आंसर देना। ये जितने भी कोहली फैंस हो ना, गैरत उठा लो अपनी, गैरत मान दो तो जाग जाओ आप। ये जितने भी कोहली फैंस हो ना मेरे समेत, ये अपनी गैरत को उठाओ, जगाओ अपनी गैरत को। ये गौतम गंभीर बार बार विराट कोहली को टारगेट कर रहा है, हर न्यूज चैनल, हर मीडिया के ऊपर बैठ के ये विराट कोहली को बार बार टारगेट किया जा रहा है। और कुछ घंटे नीचे आके लिख देते हैं जी गौतम गंभीर ने ज्यादा अच्छी इनिंग्स खेली हुई है। ओए गौतम गंभीर ने विराट कोहली को टारगेट करता है हर जगह पे बैठ के, आप इस बात का इंसाफ नहीं कर सकते मेरे साथ मिलके? उसने वो ये भी तो कह सकता था ना कि विराट कोहली अच्छा प्लेयर है, विराट कोहली भी बेहतर करेगा, रोहित शर्मा भी बेहतर करेगा। उसने अकेले का एक ही नाम लिया, उसने लिया जी बाबर आजम इन सबसे बेहतर है, इन सबसे ज्यादा टैलेंटेड है वो, टाइमिंग उसकी बेहतर है इनसे, और जी बाबर आजम ज्यादा टाइम के साथ खेलता है, वो ज्यादा फायर करेगा इस वर्ल्ड कप में। चले जी मैं भी देखता हूं कि बाबर कौन सा फायर करता है और जी विराट कोहली कौन सा फायर नहीं करता। जितने भी कोहली फैंस हो ना, अगर आपने नीचे कुछ लिखा ना कमेंट बॉक्स में गौतम गंभीर के लिए, तो
फिर मैं आपको क्वालिफाई नहीं मानूंगा, लानत भेजूंगा मैं आप पे, फिर मैं अपने पे भी भेजता ना अगर मैं इस टॉपिक को इधर डिस्कस ना करता आगे। यार विराट कोहली क्लास का प्लेयर है, लोग उसे किंग मानते हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है वो, 100 उसके 100 होने वाले हैं, 77 इंटरनेशनल उसके 100 हैं। ये गौतम गंभीर की तो मैं कहता हूं इसकी तो आधी परफॉर्मेंस भी इतनी नहीं होगी। है कौन ये बताओ मुझे, मेरा दिमाग फट रहा है। घंटे ने कौन सी परफॉर्मेंसेस दी हुई है जो कोहली नहीं दे रहा? मेरे घंटे के किंग ने कौन सी परफॉर्मेंसेस दी हुई है जो विराट कोहली ने नहीं दी हुई, जो गौतम गंभीर को नजर आती है? आई डोंट नो यार। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज्यादा है कि आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा कि भैया विराट कोहली और गौतम गंभीर का क्या मसला चल रहा है, क्यों विराट कोहली को ये नहीं इजीली जीने दे रहा, क्यों ये टारगेट काट रहा है बार बार, बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।